प्रकाश केशवपुर गांव के तालाब के पास एक पत्थर पर फिक्र से बैठा है। उसकी उम्र करीब 25 साल है। क्या करूं और कैसे करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और जरा भी नहीं है मेरे पास। वो चिंता करता रहता है। तभी उसके सामने एक जलपरी प्रकट होती है। क्यों प्रकाश, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? मुझे तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि सिनेमा घरों में चलने वाली मूवीज में दिखाई जाती हैं। मेरे पिता अपने टूटे पैरों के साथ बिस्तर पर पड़े हैं। मेरी माँ अपने स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती है। दहेज के पैसों के लिए मेरी जीजा जी ने मेरी बड़ी बहन को घर वापस भेज दिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही छोटी बहन किसी के प्यार में दीवानी है और फेल हो गई है। बोलते रहो प्रकाश, शराबी छोटा भाई गली में घूमता रहता है, बड़े भाई ने दुकान के लिए कर्ज लिया और फिर गांव छोड़कर भाग गया, यही बात है ना? हाँ जलपरी, लेकिन ये तो बताओ, क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं जानती हो? तुम तो सभी कुछ जानती हो। सच बात तो ये है कि तुम्हारी समस्याएं ऐसी नहीं कि एक छोटे सिनेमा घर में दिखाई जाए, वो तो बड़े बजट की फिल्मों की तरह है। तुमने ये नहीं बताया कि तुम इन सब का सामना। जलपरी, मुझसे कुछ नहीं सूझ रहा, मुझ में इनका सामना करने की हिम्मत भी नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर में पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश की बात सुनकर जलपरी उसे एक जादुई मनी मशीन देती है। प्रकाश, ये एक जादुई मनी मशीन है, तुम इसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे लेते रहना, लेकिन लालच में मत आना, तुम्हारा लोभ तुम्हारा अंत बनेगा। ये कहते हुए जलपरी वहां से गायब हो गई। प्रकाश उस मैजिकल मनी मशीन को अपने घर ले आता है। वो अपने घर से एक पुराना अखबार उठाता है और उसे मैजिकल मनी मशीन में डालता है। मौजूदा आर्थिक समस्याओं को सुधारने के लिए मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। जैसे ही उसने ये कहा, मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। मशीन से 10 लाख रुपए निकल आते हैं और तुरंत मशीन बंद हो जाती है। बिना देर किए प्रकाश कुछ पैसे लेता है, अपनी बड़ी बहन को देता है और उसे उसकी सास के घर वापस भेज देता है। कुछ और पैसों से वो अपनी छोटी बहन के प्रेमी को बुलाकर उनकी शादी करवा देता है। उन्हें कुछ दुकानें चलाने और खुशी से रहने की सलाह देता है और शेष राशि से वो अस्पताल का भुगतान करता है और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बात कर लेता है। इस तरह प्रकाश अपनी आवश्यकता के अनुसार मशीन से पैसे निकाल रहा था। कुछ दिनों के बाद जमींदार दामोदर को प्रकाश के गरीब होने के बावजूद उसकी तरक्की देखकर उस पर शक हुआ। वो अपने खेत जोतने वाले नौकर को पता लगाने के लिए कहता है। सीनैया प्रकाश के घर की खिड़की से झांकता है तो उसे मशीन के बारे में पता चलता है और वो दामोदर को बताता है। फिर एक दिन जब प्रकाश और उसका परिवार अपनी बहन के घर गए हुए थे, इसे एक मौके के रूप में लेते हुए दामोदर मैजिकल मशीन चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। बिना उसमें अखबार या कागज डाले वो पैसे मांगने लगता है। दामोदर मैजिकल मनी मशीन से 3 बार पैसे मांग लेता है और अचानक जादुई पैसे की मशीन एक राक्षस में बदल जाती है जो उसे हवा में लेकर उड़ जाता है। प्रकाश 2 दिन बाद जब अपने घर वापस आता है, तब दामोदर का आदमी उसे सब कुछ बताता है। प्रकाश मनी मन जलपरी को धन्यवाद देता है और खुश होता है। एक गांव में वीरप्पा और सुजाता नाम के मध्यम वर्गीय दंपति रहते थे। उनकी हारिका नाम की एक बेटी भी थी। उनके पास थोड़ी जमीन थी, इसमें वो खेती करते और जो फसल होती उसे बेचकर अपना परिवार चलाते थे। एक दिन की बात है, वो पति पत्नी खुशी खुशी अपनी फसल काटने खेत जाते होते हैं। तभी सिनेजी, इस बार फसल अच्छी हुई है, लगता है ज्यादा पैसे आने वाले हैं। हाँ सुजाता, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। पैसे आए तो बेटी के लिए 2 जोड़ी कपड़े ले लेते हैं, उसके पास बिल्कुल कपड़े नहीं है जी। ठीक है सुजाता, एक ही तो बेटी है, उसको सुखी रखने में ही हमारी खुशी है। इस तरह बातें करते हुए वो खेत के पास पहुंच जाते हैं। खेत के पास एक गाय उनकी फसल चर रही होती है। कब से खा रही थी पता नहीं, पूरी फसल चट कर गई थी। ये देखकर सुजाता गुस्से से एक डंडा लेकर गाय के पास आती है और उसे गालियां देती है, मारती है। कहां से आई ये मूर्ख गाय, हाथ आई फसल पूरी खा गई, तुम्हें मारो तो भी पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर सुजाता गुस्से से गाय को मारती रहती है। तब गाय दुखी होकर रोने लगी। माँ जी मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए पूरी फसल खा गई। उसकी बात सुनकर
वीरप्पा दंपति दुखी होते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया, पर हमारा पेट कैसे भरेगा? ये खेत को छोड़कर हमारे पास दूसरी आमदनी नहीं है, हम कैसे जिए? तुम्हारी फसल से मेरा पेट भरा, मेरे दूध से अपनी भूख और जरूरत पूरी कर लो। ऐसा कहकर गाय उनके साथ उनके घर आ जाती है। वो लोग गाय को बांधकर घास डालते हैं, पानी पिलाते हैं, जहाँ मार लगी थी वहाँ सुजाता दवाई लगाती है। इतने में गाय बछड़ा देती है, तब गाय सुनहरे रंग में बदल जाती है। ये देखकर वीरप्पा पति पत्नी दोनों घबरा जाते हैं। तब गाय कहती है, डरो मत, मैं तो एक जादुई गाय हूँ, मेरा सोने वाला दूध बेचकर खुशी खुशी रहो। जादुई गाय ने जैसा कहा वैसे ही वीरप्पा दंपति दूध निकालकर दूध कम दाम में बेचकर खुशी के साथ जीने लगे। दिन बीतते रहते हैं। एक दिन अचानक वीरप्पा दंपति को दूसरे गांव जाना पड़ता है। तब वो पड़ोस में रहने वाले सोमैया को गाय की बात बताकर गांव जाते हैं। सोमैया गाय को घास देता है, पानी देता है और फिर दूध निकालता है। सोने का दूध देखकर वो लालची हो जाता है और सोचने लगता है, वीरप्पा लोग तो गांव गए हैं, यही सही समय है, इस जादुई सोने वाली गाय को कहीं गुफा में छुपा दूंगा, तब गाय का सोने का दूध दूसरे गांव में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। ऐसा सोचकर उस दिन रात को जादुई वाली गाय और बछड़े को चोरी से अपने घर के पास ले जाता रहता है। पर सोमैया ये नहीं देखता कि जादुई गाय ना दूध रास्ते में गिराती हुई आ रही है, ताकि वीरैया को पता चले कि वो कहाँ है। सोमैया गाय और बछड़े को लेकर एक गुफा में बांध देता है। कुछ दिनों के बाद वीरैया दंपत्ति गांव में वापस आते हैं। उन्हें गाय और बछड़ा नहीं दिखते। वो सोमैया से जोर से पूछते हैं, वो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ दूध निकालता था, ऐसा कहता है। वीरैया सच समझकर गांव में फेरी लगाते हुए सबसे पूछता है, पर कहीं भी जादुई गाय नहीं मिलती। दोनों पति पत्नी रात में दुखी होकर गाय को याद करते हैं। तभी उन्हें एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते पर चलते हुए गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहां सोमैया उस गाय को दूध देने के लिए मारता रहता है। ये देखकर वीरैया दंपत्ति सोमैया को पुलिस के सुपुर्द कर देते हैं। तब से वीरैया दंपत्ति कहीं ना जाकर जादुई गाय की देखभाल करके सुखपूर्वक रहने लगते हैं। इस तरह एक बार की खोई फसल उनके लिए लाभ में बदल जाती है।